वेलकम बैक क्लास नाइन्थ। फिर से मैं आ गया गर्मी में, बारिश लेके आया हूँ। बारिश हो रही है आज बाहर, आप लोग देखिएगा जो जब लेक्चर देखेंगे तो बारिश हो रही होगी। तो देखिए, आज हम लोग को अपनी उसी लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाना है। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने तत्व के बारे में एकदम क्लियरेंस कर लिया था। तत्व को हमने तीन भाग में बांटा था, धातु अधातु और उपधातु के भाग में, और तीन के तीनों के बारे में हमने क्या किया था, प्रॉपरली पढ़ाई कर ली थी। आज हमको जो टॉपिक शुरू करना है वो है हमारा यौगिक। अब देखिए, जो यौगिक होता है वो तत्व से मिलकर बना होता है, ये चीज ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं द्वारा निश्चित अनुपात में संयोग करके प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब हम यहां किस चीज की बात कर रहे हैं, एक ऐसे पदार्थ की बात कर रहे हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर। अभी पिछला हमने जो तत्व पढ़ा था, तत्व किससे मिलकर बनते हैं, तत्व परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। यहां पे भी परमाणुओं की बात है, लेकिन यहां अंतर क्या है, अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व में जितने भी कण होंगे सब एक प्रकार के होंगे, एक प्रकार किसमें, तत्व में। अगर हम किसकी बात करें, तत्व की, और अगर हम यही चीज यौगिक की बात करें, एक प्रकार के परमाणु, मतलब जितने परमाणु होंगे यहां पे या जितने कण होंगे सब एक ही प्रकार के होंगे। और अगर हम यौगिक की बात करें तो, हम अगर यौगिक की बात करें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, यहां पे क्या है, जो यौगिक है यहां पे जो परमाणु है ये दो प्रकार के भी हो सकते हैं या दो से अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं। अंतर यहां पे एक छोटा सा अंतर होगा, अगर हम कहते निश्चित अनुपात, कैसा अनुपात, निश्चित अनुपात, मतलब यहां पे जो आपस में दो चीजें हैं, हम एग्जांपल लेते हैं H2O, क्या है ये, जल है, जानते हैं बहुत दिन से आप लोग जानते होंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो एक होता है, जानते हैं हम, और यहां पे इसके दो कण है तो कितना हो गया ये, दो। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। अगर हम इसका और इसका अनुपात निकालें तो कितना आएगा, 1/8, यही आएगा। ध्यान दीजिए, जब भी कोई जल का अनुपात पूछेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो आएगा एक अनुपात आठ आएगा, हमेशा कभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यौगिक की यही कुछ विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कि यहां पे जो परमाणु होते हैं वो एक नहीं, दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, और उनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, वो अनुपात कभी भी नहीं बदलेगा। और अगर अनुपात बदलता गया, देखिए अब यहीं पे एक चीज हम और बढ़ाएंगे, अगर वही अनुपात बदल गया, मतलब अनुपात निश्चित नहीं रहा, तो उस चीज को हम बोल देंगे मिश्रण, क्या बोल देंगे, मिश्रण। दो चीजें हम संग में पढ़ा रहे हैं,
अगर आप लोग पहला लेक्चर पढ़े होंगे, पहला लेक्चर का आप लोग डायग्राम देखे होंगे या फ्लो चार्ट देखे होंगे, तो आपने उसमें देखा होगा कि हम जब शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे थे तो शुद्ध पदार्थ में नीचे आने पर एक तरफ तत्व था और एक तरफ यौगिक था, और अशुद्ध पदार्थ की तरफ केवल एक चीज था। अशुद्ध पदार्थ के जो नीचे था वो हमारा क्या था? मिश्रण था। तो ध्यान दीजिए, यौगिक और मिश्रण एक ही तरह के होते हैं। अंतर क्या होता है? बस इसमें भी दो परमाणु होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार परमाणु हो सकते हैं। मिश्रण में भी दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। अंतर क्या होता है? अंतर बस ये होता है कि यौगिक में जो अनुपात होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, और मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता है। क्लियर है बात? हम यौगिक के यहां पर कुछ गुणों की बात कर लेते हैं जल्दी से। ये चीज क्लियर है? इसको देख लीजिए, बनाना हो बना लीजिए, उसको आप थोड़ा अगर पीछे का लीजिए, अब तो चला गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहां पे यौगिक के कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं क्या? निश्चित अनुपात में संयोग करके प्राप्त होता है। मतलब जब भी यहां पे यौगिक बनेंगे तो जो परमाणुओं की संख्या होगी, चाहे वो दो हो चाहे तीन हो या उससे अधिक हो, उनका जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। यौगिक बनने पर ऊष्मा विद्युत प्रकाश या तो अवशोषित या उत्सर्जित यौगिक जब भी बनेंगे तो ध्यान दीजिए ये चीज कि उनमें से ऊष्मा विद्युत या प्रकाश, मतलब ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा के प्रकार है, तो इन तीनों रूप में ऊर्जा या तो निकलेगी या अंदर खींची जाएगी। मतलब जो बाहर है कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, वो समान नहीं होगा। यौगिक का क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होता है। ठीक है, मतलब जो यौगिक हैं उनका जो क्वथनांक, मतलब जिस तापमान पे द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, उस तापमान को क्या कहेंगे? उबलने लगता है, क्वथनांक कहेंगे। वह तापमान जिस पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था परिवर्तन होने लगता है उसे हम क्वथनांक बोलेंगे, और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वह तापमान जिस पर कोई भी वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ऐसे तापमान को हम गलनांक। तो यौगिक का क्वथनांक और गलनांक हमेशा क्या होगा? हमेशा ये दो की दोनों चीजें जो होगी वो निश्चित तापमान होगी, वक्त के अनुसार बदल नहीं सकती।
आखिरी चीज, यौगिक के युग्म होंगे अव्ययों के, अव्यय मतलब जैसे मान लीजिए कोई यौगिक बन रहा है, हमने यहां पे बात किया जल ही बना लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए जल बना, तो जल किससे बना, हाइड्रोजन से बना और ऑक्सीजन से बना, तो ध्यान दीजिए यहां पे जो यौगिक बना है H2O, इसके गुण हो सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग हो, जैसे ये गैस है, आप लोग ये चीज जानते भी हैं, भौतिक अवस्था की बात करें, हाइड्रोजन क्या है, एक तरह का गैस है, हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और ऑक्सीजन भी किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो दो के दोनों की अवस्था कौन सी है, गैस, लेकिन जो हमारा यौगिक जल बना ये किस अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है, तो हमने वही तो लिखा ना कि यौगिक के गुण अवयव के गुणों से भिन्न होते हैं, मतलब जिन चीज से, जिन परमाणुओं से वो मिलकर बना है, जरूरी नहीं कि जो गुण इनके हो वही गुण यौगिक का भी हो, क्लियर है बात। तो हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल विशेषताएं या जो पॉइंट्स थे यौगिक से रिलेटेड सबके सभी को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे लिखवा दिया है, और ध्यान दीजिए इन्हीं चीजों को हम उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो हमारा मिश्रण मिलेगा हमें, जो कि एक अशुद्ध पदार्थ है और ये हमारा क्या है, शुद्ध पदार्थ है, तो ध्यान रखिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जो पॉइंट्स अभी हम इन्हीं पॉइंट्स को उठाएंगे और हम मिश्रण की भी डेफिनेशन लिख लेंगे, क्लियर है बात, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यहां पे एक पॉइंट हम लोग ने और छोड़ दिया है, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, मतलब यहां पर क्या है आपको बोलने का, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा जल बना H2O किससे किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ध्यान दीजिए कि अगर एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बन गए, मतलब जल बन गए, तो हम इसको कोई भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, मतलब एक बार ये बन गए मिलके तो H2O ही ये फिर रहेंगे, कोई भी भौतिक विधि द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते, रासायनिक विधि द्वारा कर सकते हैं, वो भी हर रासायनिक विधि नहीं, बहुत निश्चित विधि होगी तभी होगा, ये बात आई समझ में। तो यहां पे हमारा शुद्ध पदार्थ से जो लिखा जोखा था, पढ़ाई लिखाई था, सब हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ की तरफ, शुद्ध का उल्टा, जैसे शुद्ध था शुद्ध का उल्टा कर दीजिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे, और शुद्ध अशुद्ध में ही हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे मिश्रण, तो मतलब यहां पर जो हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे अशुद्ध पदार्थ, इसी में हम दोनों चीजें क्लियर कर लेंगे, तो अब हम अगला टॉपिक डालेंगे, अशुद्ध पदार्थ जिसको कि हम क्या और बोल सकते हैं, मिश्रण, मतलब दो के दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, आप चाहिए तो इसको अलग पढ़िए, चाहिए तो इसको संग पढ़िए, लेकिन अलग पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए हम दो के दोनों को संग लिखते हैं। वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक परमाणुओं द्वारा किसी भी अनुपात में मिलकर बने होते हैं, अशुद्ध पदार्थ या
मिश्रण कहलाते हैं। हमने किस चीज की बात की, हमने एक ऐसे द्रव की बात करी जो दो या दो से अधिक परमाणुओं द्वारा मिलकर बने होते हैं और इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है या अनिश्चित होता है, किसी भी अनुपात मतलब अनिश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थों को हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहेंगे। इन पदार्थों के इन के अवयवों को हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। क्लियर बात, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण की हम बात कर रहे हैं। यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चीनी और पानी का घोल या मिश्रण, या नमक या पानी का घोल। उदाहरण लिख लेते हैं, एग्जांपल उदाहरण चीनी तथा जल का मिश्रण। आप लोग गर्मी चल रहा है, गर्मी का वक्त है, चीनी पानी का घोल पीते हैं कि नहीं पीते हैं, पीना चाहिए, इसलिए पीते हैं, देखिए जब इसलिए नहीं पीते क्योंकि शरबत है, इसलिए पीते हैं कि देखिए गर्मी में हम लोग का स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, और पसीने के कारण क्या होता है, पसीने के कारण हम लोग के शरीर से ऊर्जा निकलती है। तो चीनी और नमक एक तरीका होता है, वो हमारा जो ऊर्जा लॉस हो रहा है या हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब जब हमारे शरीर से बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो जाता है, उस डिहाइड्रेशन के लॉस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, चीनी और पानी का घोल पीते हैं, नमक और पानी का घोल पीते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपने चीनी पानी का घोल बनाया, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक गिलास पानी में क्या एक ही चम्मच चीनी डालते हैं कि स्वाद के अनुसार डालते हैं, जैसे कुछ लोग को ज्यादा मीठा पसंद है, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, या पूरा डिब्बा पलट देते हैं, आपकी इच्छा। और कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा चीनी लेना चाहते तो थोड़ा सा। तो क्या यहाँ पे अनुपात निश्चित था, जैसे मान लीजिए मुझे चीनी खाना बहुत पसंद है तो मैं अपने ग्लास में तीन चार चम्मच डाला, आप लोग कंजूस है थोड़ा, आप लोग क्या करेंगे एक चम्मच डालेंगे, तो क्या यहाँ पे अनुपात निश्चित हो पाया, यहाँ पे दो चीज मिले, कौन कौन सी चीज, जल और चीनी, लेकिन क्या यहाँ पे अनुपात निश्चित हुआ, अनुपात नहीं निश्चित हुआ। वही चीज मैं बोल रहा था कि ऐसे द्रव जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु मिल तो रहे लेकिन उनका अनुपात जो होगा वो कभी भी निश्चित नहीं होगा। अगली चीज, इन पदार्थ के अवयवों को हम भौतिक विधि द्वारा निकाल अलग कर सकते हैं। अभी हम इसके जस्ट पहले की बात करें यौगिक की, तो यौगिक में कभी भी अवयवों को भौतिक तरीके से भी अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पे क्या है, इनको भौतिक विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने चीनी और जल का मिश्रण लिख दिया है, नमक और जल का भी मिश्रण आप लिख सकते हैं, बालू और उसका भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये चीज आपका इसमें आएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, अब हम बात करेंगे कभी भी छोटी की मात्रा अकायदे से बनती ही नहीं है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए हम बात करें अशुद्ध पदार्थ की, अशुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण बोलते हैं, और मिश्रण को हमने किस कितने भाग में बांट दिया, दो भाग में। इनका पहला लाइकदार पुत्र कौन था, सॉरी पुत्री, गुस्सा मत होइए,
देवियों आप लोग गुस्सा मत होंगे, ठीक है। पहला कौन था? सामांगी मिश्रण, और दूसरा कौन था? रंगी लिखते हैं, रंग बिरंगा लिखते हैं, चलिए आप लोग के लिए रंग बिरंगा की स्पाइस आ गई है। सामांगी मिश्रण और दूसरा क्या है बताइए, लाल लिखते हैं इसको। विश मांगी मिश्रण, तो सामांगी और विश मांगी मिश्रण, ठीक है, दो तरह के हैं इन दोनों के बारे में। तो यहां पे क्या हुआ, मिश्रण के हमने दो भाग बांट दिए, सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुण तथा गुणधर्म समान होता है, उसे हम कौन सा मिश्रण बोलते हैं? सामांगी मिश्रण बोलते हैं। इसी का विपरीत ऐसे मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान नहीं होता। क्या बात होने की? सामांगी मिश्रण वो होते हैं जिनका कोई भी भाग ले लीजिए, उनके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म क्या होता है? समान होता है। और इसका विपरीत कर दीजिए, जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। दोनों में बस इतना अंतर, प्रत्येक भाग की बात कर रहे हैं। आगे की बात करेंगे, इनमें प्रत्येक अवयव, अवयव मतलब जो जो चीज हमने मिलाई है, को स्पष्ट रूप से पृथक करके नहीं देख सकते। और इसमें क्या होता है, इनमें प्रत्येक अवयव स्पष्ट रूप से पृथक सीमा में दिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या कहा, सामांगी मिश्रण क्या होता है कि जैसे दो चीजों को हमने मिलाया, उदाहरण ले लेते, उदाहरण लेने के बाद ये और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में हमने लिया
जल के साथ नमक या चीनी का घोल, चीनी का घोल ना लिखिए, मिश्रण लिखिए, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, उदाहरण में लिख लें, जल में रेत का मिश्रण, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमें यह बता रहा है कि यहां पे अगर कोई चीज को हम दो अवयवों या दो चीजों को मिलाएंगे तो उनको हम अलग रूप से नहीं देख पाएंगे। जैसे आपने चीनी को पानी घोल दिया, घुलने के बाद क्या चीनी आपको कहीं दिखेगा, या ऊपर की सतह और नीचे की सतह में क्या कोई परिवर्तन दिखेगा? जो ऊपर दिखेगा वही नीचे दिखेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, विस्मांगी मिश्रण में, विस्मांगी मिश्रण में जब पानी और आप रेत को बालू को घोलेंगे तो आप देखेंगे पूरा पानी गंदा तो हो ही गया है, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं बालू ज्यादा और कहीं बालू कम है। ये चीज तो आप ध्यान दिए होंगे, कभी भी आप घोल के देखे होंगे। एक सफेद ग्लास लीजिएगा, उसमें चीनी पानी का घोल करिएगा और दूसरे में जल और रेत का करिएगा, तो आप देखेंगे रेत कहीं आपको ज्यादा गाढ़ा दिखेगा, कहीं आपको कम गाढ़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि विस्मांगी मिश्रण का यही तो गुण है कि प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म वो कभी समान नहीं होता, और समांगी मिश्रण का यही होता है कि प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। मतलब जो यहाँ पे मिश्रण बनेगा वो एकदम समान रूप से, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक देखने और हर चीज में समान रहेगा, लेकिन इसमें समान नहीं रहेगा। तो समांगी और विस्मांगी मिश्रण में आपको बस इतना ही पढ़ना था, बहुत ज्यादा इसमें आपको टॉपिक नहीं था, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा जो कि हमारे क्लास 9th में क्वेश्चन के रूप में आता है, नोट कर लीजिए इसको, सफा करें, इसको आप क्वेश्चन के रूप से भी लिख सकते हैं कि यौगिक और मिश्रण के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिएगा, अंतर ज्ञात कीजिए। यह ऐसे क्वेश्चन क्या आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं कि यौगिक और मिश्रण के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए, यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पढ़ने होंगे तो आप पढ़ने पर एक चीज पाए होंगे कि जो इनके गुणों की हम बात कर रहे थे वो लगभग क्या आ रहे थे, समान आ रहे थे। मतलब जो परिभाषा हमने लिखी थी यौगिक के लिए वही लगभग मिश्रण के लिए भी आई है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, चीजें वही है। तो शुरू करें, देखिए सबसे पहले हम गुण धर्म लिख लेते हैं, मतलब जिस गुण के आधार पे हम बात करेंगे। गुण धर्म यहां पे क्या होगा, यौगिक, और यहां पे क्या होगा हमारा मिश्रण, जिसकी जिसकी बात हुई है, क्लियर हुआ। अब यहां पे वीडियो हम पॉज करवाएंगे क्योंकि अगर हम लोग इसको पूरा लिखते हुए दिखाएंगे तो हम लोग का वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसको मैं रोक के लिख के आपको सीधे समझाता हूं, ठीक है। देखिए अब हमने यहां पर पूरा टेबल बना दिया है, बस हमको समझना है यौगिक और मिश्रण के बीच में अंतर। आप लोगों का ध्यान दीजिए तो हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं और मिश्रण के बारे में भी पढ़ चुके हैं, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात की। देखिए यौगिक भी दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बनता है और मिश्रण भी दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि यौगिक में जो अनुपात होता है वो निश्चित अनुपात होता है, मतलब जो दो अवयव आपस में मिल रहे हैं उनकी जो अनुपात रहेगा वो हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। और मिश्रण में क्या होता है, किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं, मतलब मिलने का अनुपात निश्चित नहीं होगा, क्लियर है बात। ये हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली चीज रासायनिक परिवर्तन। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी यौगिक के दो या दो से अधिक अवयव मिलते हैं तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन मतलब दो या दो से अधिक कण मिलके हमेशा के लिए एक नया पदार्थ, मतलब यहाँ पे एक नए पदार्थ का जन्म होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नए मिश्रण में कोई भी नए पदार्थ का जन्म नहीं होता है, इस कारण से यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है और मिश्रण में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दीजिए, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जब भी कोई नया तत्व बनेगा
या तो वो ऊर्जा देगा या ऊर्जा लेगा, और ऊर्जा देने या लेने के लिए तीन चीजें हमने बताई थी, प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा, तीन चीजों में से या तो वो लेगा या देगा। तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई भी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। क्लियर है बात? यौगिक के गुणधर्म अवयव के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, जब यौगिक बना तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, और जब रासायनिक परिवर्तन हुआ तो एक नया पदार्थ का जन्म हुआ, और नए पदार्थ का जन्म होगा तो क्या इसका जो गुण होगा वो जो जो चीजें लेके बनी क्या उनकी तरह होगा कि अलग होगा? जाहिर सी बात है, नया पदार्थ है तो उसका गुणधर्म अलग होगा, जिन चीज से वो मिल के बना है उनकी तरह नहीं होगा। हो भी सकता है कुछ गुण हो सकता है मिल जाए, बट सबके सभी गुण उसमें नहीं मिलेंगे। क्लियर बात? और यहां पर क्या है, मिश्र में कोई नई चीज तो हुई नहीं, जो कण थे जो चीजें हमने ली थी वही चीज बस मिला दिए हैं, तो इसके गुणधर्म जो चीज हम लेके बनाए हैं या जो अवयव थे उन्हीं के समान होंगे। गलनांक और पतनांक, मतलब वह तापमान जिस पे है या तो गल जाए, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाए, या द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो मिश्र क्या होता है यौगिक के लिए? क्या होता है यौगिक के लिए? हमेशा निश्चित होता है, क्योंकि यहाँ पर चीजों का अनुपात निश्चित होता है, इसी कारण से यहाँ पे इसका गलनांक और पतनांक क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन मिश्र के लिए निश्चित नहीं होता, मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जो भी रहेगा उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। अगली चीज हम बात करें प्रतिकरण, हमने उसको लिखा नहीं, आप सीधे समझ लीजिए। यौगिक में क्या हुआ, दो चीजें मिलकर नया चीज बनाती है, तो उनको हम भौतिक विधियों द्वारा प्रतिकरण या अलग, प्रतिकरण का मतलब होता है अलग करना, तो हम उनको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, कुछ भी करना हम अलग यौगिक को नहीं कर सकते, लेकिन मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो रासायनिक रूप से तो जुड़े हैं, बस आपस में ये मिला दिया है। क्लियर है बात? उदाहरण के लिए मिट्टी और मिश्रण का आपको एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, मिट्टी और बालू का घोल, या मिट्टी और बालू को मिला दिया, जाहिर सी बात है वो ऊपर से तो दिखेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा अलग हो जाएंगे। पानी को बालू में घोल दें, मिश्रण का एग्जाम्पल फिर आपने दिया, पानी को बालू में हम घोल दिए, तो देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा कि पानी को अगर हम बालू में घोल दिए तो भले ही चाहे उसको जितना मिला वो थोड़ी देर तक बालू पर तैर करेगा, लेकिन कुछ वक्त बाद क्या हो जाएगा, पानी की सतह पर बालू इकट्ठे हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यही हमारे बीच में सबसे बड़ा डिफिनेशन था यौगिक और मिश्रण में। क्लियर है बात? इसको प्रॉपरली आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके क्लास 9 के एग्जाम्स में आ सकते हैं। और यहाँ पे इसी को खत्म करने के साथ हम अपना थर्ड लेक्चर यहाँ पे जो हमारा हुआ इसको भी हम खत्म करेंगे। अगला लेक्चर में हम लोग विलियम की बात करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।